इस वक्त रांची पहुंच चुकी है। द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। उनको ट्राइबल फेस के बतौर पूरे देश भर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो संथाल जनजाति से आती हैं। इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम द्रौपदी मुर्मू की हम बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिन लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो स्थानीय स्तर का, उन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन से ये बताना चाहती है, ये संदेश देना चाहती है कि ट्राइबल्स के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, पहली चीज। दूसरा, इसमें मोदी जी की भी फिलॉसफी है, इसमें एक संघ की भी फिलॉसफी है, वो है सिविलाइजेशनल हिंदुत्व यानी सनातन धर्म। कहने का मतलब है कि ये कहा जाता है, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस कहते हैं, और फिर एक बहुविन कंसेंसस था कि हिंदुइज्म से बाहर हैं ट्राइबल्स और इन लोगों को दोबारा समाज में जोड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक कल्पना ये भी है कि जो ट्राइबल्स हैं, जिन्हें आदिवासी जनजाति बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े थे। यानी अगर रामायण में आप कल्पना देखें तो भगवान राम भी जंगल जाते हैं, महाभारत में भी अज्ञातवास और जो साल बिताए जंगलों में पांडवों में, उसमें भी उनका जनजातियों से मुलाकात होती है। जामवंत भगवान शिव का, जिसे कहते हैं जंगल में दूसरे रूप से हनुमान से मिलना, ये सारी कल्पनाएं उन चीज़ों की है जिसमें लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेटर ट्रेडिशन मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जब हम बात करते हैं जनजाति समुदाय की। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का प्रेसिडेंट बनना निश्चित है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। उनको समर्थन मिल चुका है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी से, उनको समर्थन मिल चुका है नवीन पटनायक से, और इसके जरिए जो लगभग 9.25 करोड़ ट्राइबल्स हैं, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम झारखंड, उड़ीसा, उन तमाम इलाकों में फैले हुए हैं, उनको एकत्रित करना, संगठित करना और जो सिविलाइजेशन हिंदुइज्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उससे जोड़ना। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की मुख्यधारा में मत है कि ये कहना कि जनजाति सिविलाइजेशन या सनातन धर्म से बाहर है, ये एक गलत धारणा है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन साथ साथ आप मान के चलिए कि जिस तरीके से जनजातियों को लेकर राजनीति हो रही है उसका भी बदलना तय है। रांची से कार्तिकेय शर्मा, TV9 डिजिटल के लिए।